तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। हमारे चैनल टेकअप में आपका स्वागत है। और दोस्तों, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, हमारे पास है शाओमी का रेडमी 8A, जिसकी आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, आपको इसके बारे में बताएंगे। और बहुत ही दमदार फ़ोन है, तो इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं इसके बाहर हमें बॉक्स पे क्या क्या लिखा हुआ मिला है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपको ऊपर लिखा मिल जाएगा इंडिया नंबर वन। तो 2GB रैम वाला है, 32GB इसमें रोम है। और साथ ही में अगर हम इसके पीछे की साइड देखेंगे तो ये हमें यहाँ पर देखो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 439 ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ हमें ये फ़ोन मिलता है। और सबसे ख़ास बात दोस्तों इस फ़ोन की ये है, 5000 mAh बैटरी के साथ मिलेगा, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप लॉन्ग ड्राइव वाले बंदे हो या फिर आपके पास समय कम होता है, आप बैटरी को जल्दी जल्दी चार्ज नहीं कर पाते हो, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। साथ ही में इसके साथ आपको 10 वाट का पावर अडाप्टर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्लियरली यहाँ पर लिख रखा है कि आप यहाँ पर इसमें 8 वाट तक का यूज़ कर सकते हैं चार्जर। साथ में अगर मैं बात करें इसके कैमरे की, तो इसके अभी ऊपर ही सारा कुछ लिखा हुआ है, ये मैं बता रहा हूँ। साथ ही में मैं आपको इसके अंदर भी दिखाऊंगा कि अंदर ये किस तरीके से निकलेगा। साथ ही में हमें यहाँ पर आपको सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल में मिल जाता है, स्मूथ फ्री डिसीजन के साथ। मतलब बहुत सारे फ्यूचर हैं इसके। तो चलिए हम इसको खोलते हैं और उसके बाद में हम सारी बातें करेंगे। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका हमें कलर दिखा रखा है, एक मिनट फोकस करते हैं। हाँ, तो देख सकते हैं आप, सनसेट रेड है ये। तो अभी चलिए हम इसको ओपन करते हैं। अंदर हमें यहाँ पर मिलेगी एक सिम स्लॉट ट्रे के लिए टूल, जिससे कि हम इसकी सिम स्लॉट निकाल सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पर हमें इसकी पिन मिली है, जिसे हम सिम टूल ट्रे भी कहते हैं। और साथ में आपको अंदर वारंटी कार्ड वगैरह मिल जाएगा। चलिए इसको हम इसको साइड में रखते हैं। और अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमारा चमचमाता फ़ोन हमारे सामने है। और ये हम इसको देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा फ़ोन है। और इसकी बात भी हम बाद में करते हैं, पहले इसके नीचे देख लेते हैं क्या क्या। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं हमें USB-C केबल मिल चुकी है, जो कि बहुत ही है सी टाइप वाली ये हमारी केबल है, जिसमें कि इसकी बहुत सारी स्पेसिफिक्स हैं। अगर आप लोग मेरे को कमेंट करोगे तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि इसकी क्या क्या स्पेसिफिक्स हैं। तो आप, जैसे कि आपको दो तरीके की मार्केट में केबल्स मिल जाती हैं, और एक ये वाली मिलती है, एक माइक्रो वाली मिलती है। तो ये हमारी सी वाली है, सी टाइप वाली है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर आप मेरे से कहोगे तो मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर हमें एक चार्जर मिलता है, जो कि 10 वाट का है। लेकिन इसमें आपको मैंने शुरुआती वीडियो में बताया था कि 18 वाट का सपोर्ट है चार्जर, तो आप 18 वाट का चार्जर ले सकते हैं और इसको जल्दी से जल्दी चार्ज कर सकते हैं, जिस तरीके से इसकी बैटरी बैकअप जो है हमें बहुत ही धमाकेदार देखने को मिला है। तो चलिए अभी हम अपने फ़ोन पर जाते हैं और फ़ोन का बता देते हैं आपको। तो फ़ोन के हमें यहाँ पर राइट साइड में पावर बटन मिलता है, साथ में ही दो वॉल्यूम बटन भी मिलते हैं, आप देख सकते हैं। और अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें सेकेंडरी माइक्रोफोन कैमरा मिलता है। इसकी लेफ्ट साइड बात करें तो लेफ्ट साइड हमें यहाँ पर इसके सिम स्लॉट ट्रे मिलती है, जैसे कि अभी हम निकाल के दिखा देते हैं आपको। बात करें नीचे की, तो नीचे आप देख सकते हैं हमें एक एयरफोन जैक मिल जाता है, प्राइमरी माइक्रोफोन मिल जाता है, साथ ही में USB-C पोर्ट मिलती है, आप देख सकते हैं। और एक हमें स्पीकर ग्रिल मिलती है। तो ये हमारी होगी बाहर की बात। अब करते हैं पीछे की बात। तो पीछे का यार कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, आप देख सकते हैं। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा था कि सनसेट रेड कलर है, मतलब इसमें दो कलर मिक्स हैं। ऊपर की साइड अगर आपको रेड की तरह दिखेगा, और नीचे की साइड आपको हल्का सा ऑरेंज की साइड दिखेगा। और यहाँ पर इसके डिज़ाइन बाय Xiaomi लिखा हुआ, मेरे ख्याल से तो यही लिखना चाहिए, यहाँ पर रेडमी लिखा हुआ दिख रहा है आपको। और ये यहाँ पर हमारा एक कैमरा दिख रहा है, और साथ ही कैमरे के नीचे फ्लैश दिख रही है। चलिए अभी हम इसको ओपन करते हैं, इसका स्विच खोलते हैं। तो अभी ये खुल चुका है, और अभी इसके ऊपर लैमिनेशन है, मैं इसकी लैमिनेशन को हटाऊंगा नहीं, कंपनी की तरफ से मिल रखी है लैमिनेशन। फिलहाल इसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास नहीं है, इसलिए मैं इसको हटाऊंगा नहीं, इसको ऐसे ही लगा रहने दूंगा। तो अभी ये ओपन हो रहा है, आप देख सकते हैं यार, बहुत ही कम प्राइस में आपको धमाकेदार फ़ोन मिल रहा है। और क्या चाहिए, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा ये फ़ोन का, और बहुत ही स्मूथ चल रहा है, देख सकते हैं आप। मतलब अच्छा खासा फ़ोन है,
और बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है। अगर आप मेरे से कहोगे कमेंट में और आपको अगर चाहिए तो मैं इसके अंदर आपको पबजी खेल के दिखाऊंगा, लाइट भी दिखाऊंगा और पबजी नॉर्मल पबजी भी खेल के दिखाऊंगा, तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं अगर आप गेम खेलने के लिए ले रहे हैं इस फ़ोन को तो आपके लिए बेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा। तो अभी मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाने जा रहा हूँ जो कि मैंने इसके कैमरे से फ़ोटो से लिए हैं, तो उसके सैंपल आप देख लीजिए। और इसको मतलब बहुत ही बेहतर सैंपल इसके फ़ोटो के आए हैं, मतलब इतने कम प्राइस में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा हुआ फोटो किस तरीके से दिख रहे हैं, मतलब लो लाइट में भी बहुत अच्छे आते हैं। सामने से इसके अगर आप सेल्फी लेते हैं पूरा एकदम नाइट मोड है, मतलब जैसे अंधेरा हो रखा है और आप फोटो ले रहे हैं, तो इसमें स्क्रीन फ्लैश है तो उसके थ्रू आपका फोटो बहुत ही बेहतर आएगा, मतलब बिना फ्लैश के भी आपका फ़ोटो बहुत अच्छा आएगा। तो आपने स्क्रीन पे देखा कि किस तरीके से यहाँ पर आपको फ़ोटो दिखे, तो यार बहुत बढ़िया फ़ोन है, अगर आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कम बजट में बढ़िया वाला है ले सकते हैं आप। साथ ही में आपको इसकी बैटरी जो थी आपको बहुत अच्छे से दिख गई है और आपको ये ऑनलाइन 6.5 के आसपास मिल जाएगा, मतलब 6,500 का मिल जाएगा। अगर आप मतलब ऑफलाइन लेना चाहते हैं जैसे शॉप वगैरह से लेंगे तो आपको ये 7 या 7.5 या 8 तक भी पड़ सकता है। बात करें अगर हम इसके डिस्प्ले की तो दोस्तों 6.22 इंच की इसकी डिस्प्ले है और सबसे बढ़िया बात यह है दोस्तों कि इसमें गोरिल्ला ग्लास चढ़ा हुआ है और डॉट नॉच डिस्प्ले है इसकी, तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसमें आपको फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट की टेंशन नहीं है, आप इसमें फेस लॉक भी कर सकते हैं, पैटर्न पासवर्ड जो लगाना चाहते लगा सकते हैं, फेस लॉक इसमें है आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिव मिलता है।